नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति महावर है। मैं नोवा IVF कलकत्ता में फर्टिलिटी चिकित्सक हूँ। कई बार कपल हम लोग से एम्ब्रियो ग्रेडिंग के बारे में पूछते हैं। आज का टॉपिक है एम्ब्रियो ग्रेडिंग इन IVF लैब और अच्छे एम्ब्रियोज की पहचान कैसे करते हैं। IVF के प्रोसेस में इंजेक्शन देकर अंडे बढ़ाना, उनको मैच्योर करके शरीर से बाहर निकालना, IVF लैब में फर्टिलाइज करना और फिर लैब में इन एम्ब्रियोज को ऑब्जर्व करना। इसमें हमारा एम होता है कि सही एम्ब्रियोज का चुनाव करना और इस एम्ब्रियोज को वापस यूट्रस में ट्रांसफ़र करना। IVF लैब में एम्ब्रियो ग्रेडिंग का एक सिस्टम फॉलो करते हैं। आज जानते हैं कि ये सिस्टम क्या है, जिससे हमको अच्छे एम्ब्रियोज का चुनाव करने में मदद मिलेगी। एम्ब्रियोज बनता है एक अंडे से और एक शुक्राणु से। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये मल्टीप्लाई करता है, जैसे कि दो सेल से चार सेल, चार सेल से आठ सेल, और एम्ब्रियो के एक डिवीजन को एक सही टाइमलाइन फॉलो करना चाहिए। जो अच्छे ग्रेड के एम्ब्रियोज हैं वो इस टाइमलाइन को फॉलो करते हैं। तो ये तो हुआ रेट ऑफ ग्रोथ। बाकी पैरामीटर्स भी होते हैं, जैसे कि सारे सेल एक जैसे देखने में है कि नहीं, या फिर उसमें फ्रेगमेंटेशन है कि नहीं। अगर एम्ब्रियोज में सब सेल एक जैसे हैं देखने में, इवन नंबर्स हैं, फ्रेगमेंटेशन नहीं है, तो उसको ग्रेड ए या बी बोला जाता है। अगर एम्ब्रियोज में सब सेल एक जैसे नहीं है, ऑड नंबर हैं और फ्रेगमेंटेशन भी है, तो उसको ग्रेड सी या डी बोला जाता है। ए और बी एम्ब्रियो से सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के चांस बेटर होते हैं सी और डी से। एम्ब्रियोज के इवैल्यूएशन के और भी पैरामीटर्स हैं, जैसे कि फंक्शनल कैपेसिटी और जेनेटिक टेस्टिंग। इन सब पर अभी और भी रिसर्च की ज़रूरत है। इन क्षेत्रों में और प्रगति होने से हम बेहतर एम्ब्रियोज का सिलेक्शन कर पाएंगे। धन्यवाद।